मैंने स्कोर नहीं देखा था पहले अपना, मैंने सिर्फ नीचे देखा वो बस। स्कोर मैंने नेक्स्ट डे चेक करा, मैंने कहा इतना इतना ठीक है। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी मिसाल है आपके लिए गगनप्रीत हमारे सामने, जिन्होंने हार नहीं मानी और बोला करेगा बनेगा, तो मैं सीए। क्योंकि मेरा ड्रीम ही सी है, तो मैं हार मान ही नहीं सकता था। हाँ, जिसके पास यस प्लान सर, बी नहीं होता है वो प्लान ए पर ज्यादा फोकस देता है, ऐसा गगनप्रीत कहना चाहते हैं। और मोटिवेट इसलिए था क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली देख, जब वो आज हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे को कल उनके लिए प्रोवाइड करवाना है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ ना, पढ़ाई के अलावा मेरे को कुछ करने को कह तो रहे नहीं, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हुई, फिर फायदा क्या है। और मैं अपने एक छोटी सी डायरी रखो, मैं कहता हूँ कि उस पर अपने वो रख के रखो सजेशंस कि हाँ हैशटैग डाल के कि इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद जरूर कर। तो मैंने वैसे मेंटेन करा, जिसमें मतलब डिफिकल्ट मेरे को लगता था देख के हाँ नहीं होगा, तो ये मैं जरूर ट्राई करके देखूँ, तो इससे फिर वो अंदर से बना हाँ होगा, अब तो होगा। फिर अपने आप आंसर्स आने लग गए, बैलेंस शीट मैच होने लग गई, हार्डवर्क कभी भी खाली नहीं जाता। मेहनत करो तो सफलता जरूर शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, नए चैनल पे नए गेस्ट के साथ। और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है, वो है गगनप्रीत। तो गगनप्रीत, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और जहां पे आज हम गगनप्रीत से मिलवाएंगे, जो कि आपके लिए एक मिसाल बनेगी। गगनप्रीत ने जो है सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 की एग्जाम दी थी, अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वहां पे सेटबैक फेलियर का सामना करना पड़ा। बट गगनप्रीत शायद रुकने और थकने वालों में से नहीं थे, उन्होंने जून 2023 की एग्जाम दी और जो है सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में अपनी एंट्री करवाई। तो मैं गगनप्रीत को जो है वो चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, साथ ही मोहित सर से बोलूंगा कि गगनप्रीत से कुछ जो है वो अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएं, और गगनप्रीत जो भी है ऑनेस्ट, ताकि जो है आपके साथी लोगों का, सीए फाउंडेशन और सीए करने वालों का जो है हेल्प हो सके। सबसे पहले गगनप्रीत सिंह से हम ये बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा प्लीज मुस्कुरा लो, बिकॉज हम पास हो चुके हैं इस बार। जो एकदम यस सर, इंसान फोकस्ड था कि नहीं यार, मुझे जून 23 में पास होना है, होना है और होना ही है, वो करके दिखाया। सबसे पहले आप, हम चलते हैं गगनप्रीत के पास और उनसे पूछते हैं उनका दिसंबर 2022 में स्कोर कितना था। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी बताने की कोशिश करिएगा जितना याद हो, और ओवरऑल एक बार स्कोर प्लीज बताइए। मेरा ओवरऑल स्कोर था वो 136 था, ओके, मेरे अकाउंट्स में 40 आए थे, लॉ में 29, मैथ्स में 28 एंड इकोनॉमिक्स में 40 से अबव थे शायद। ओके ओके। अगर आप सब नोटिस करोगे तो जिस इंसान ने पहली बार सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, वो एग्जाम उन्होंने दिया था दिसंबर 2022 में। दैट मींस उन्होंने क्लास 12th के बाद डायरेक्टली एग्जाम नहीं दिया था, दे ही हैज अप्रोप्रिएट टाइम, उन्होंने वो पूरा जो टाइम यूटिलाइज किया। देन ऑल्सो उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम नंबर आए हुए हैं, 136 मार्क्स। जब इंसान अपना पूरा हिम्मत से सारे क्लासेस करने के बाद एग्जाम देता है और उसके इतने कम नंबर आते हैं ना, तो खुद के अंदर का इंसान तो बोलता है अरे यार मैं सीए के फर्स्ट पड़ाव पर ही फेल हो गया। सोसाइटी अलग प्रेशर बनाती है कि अरे यार ये ऐसा कैसे हो गया, सीए फाउंडेशन तो मुझे पास हो ही जाना था। जब इंसान पहली बार फेल होता है सीए फाउंडेशन में तो बहुत ज्यादा दर्द फील होता है, बिकॉज उसको ये लगता है यार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट तो 25-30% है, इसके आगे तो और 10-15% और इवन सीए फाइनल पर तो और कम परसेंटेज होगा पासिंग का। और अगर मैं सीए फाउंडेशन पर भी फेल हो गया तो क्या मुझे सीए आगे चलाना भी चाहिए, क्या मुझे सीए की जर्नी कंटिन्यू करनी भी चाहिए? तो पूछते हैं हम गगनप्रीत से कि यार जब सबसे पहली बार फेलियर फेस किया तो क्या कंडीशन उनके आसपास बन गई थी, वो खुद को क्या बोल रहे थे और कितने दिन लिए उन्होंने वापस बाउंस बैक करने के लिए। गगनप्रीत, ओवर टू यू। दिसंबर 22 जब रिजल्ट आया उस दिन क्या कंडीशन थी आपकी? जिस दिन रिजल्ट आया तो जो बच्चे मतलब रह जाते हैं तो बैठ के मतलब सैड ही अलग फील होता है बहुत ज्यादा, कि इतनी मेहनत करी तो भी मतलब नहीं आया अच्छा। फैमिली वाले तो सपोर्ट करते ही हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही आपका आ जाए, तो वैसे ही मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा कि कोई बात, जो तुम्हें चाहिए वो हम करके देंगे, कोचिंग चाहिए कोचिंग लो, टेस्ट सीरीज चाहिए टेस्ट सीरीज लो, पर तुम करो पीछे मटर। ये
ये होता है, इनफैक्ट फैमिली जनरल 90% ये देखा गया कि फैमिली सपोर्ट करती है, उनको पता होता है यार ये सीए का मैदान है, बीए का तो मैदान नहीं है, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज कम होता है और हम लोगों को सपोर्ट भी मिलता है। बट द पॉइंट इज, तुम इंटरनली क्या सोच रहे थे कि यार मैं फेल हो गया तो शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए, ये क्वेश्चन आया माइंड में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है जब एक बार दो बार तीन बार ऐसे सीए फाउंडेशन में ही अटेम्प्ट लग जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको कैसे टैकल किया और बोला खुद को कि नहीं यार जून 23 मुझे देना है? क्योंकि मेरा ड्रीम ही सी है, तो मैं हार मान ही नहीं सकता था। अगर बहुत मैं कम, हार मान जाता, हाँ बहुत कम वर्ड्स में तुमने बहुत बड़ी बात बोल दी कि मेरा ड्रीम ही जो है सीए है, तो अब भैया मैंने रॉकेट उड़ाया ऊपर नहीं गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं वही रॉकेट उड़ाना छोड़ दूंगा। सारे मतलब सपने ही उसी से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी शायद था ही नहीं गगनप्रीत के पास। हाँ, जिसके पास यस प्लान सर, बी नहीं होता है वो प्लान ए पर ज्यादा फोकस देता है, ऐसा गगनप्रीत कहना चाहते हैं। और अंकित भाई से ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है जिन्होंने ऑलरेडी 10+ ईयर्स जो है सीए जर्नी में बिताए हैं और हार नहीं मानी और बताया कि चाहे आपकी मंजिल दूर खड़ी हो, अगर आपके इरादे पक्के हैं और हिम्मत है अंदर से, तो आप उसको जरूर पा सकते हैं। गगनप्रीत, दिसंबर 22 में आपको सेटबैक लगा, आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया, कैसे चार्जअप किया कि नहीं यार मुझे जून 23 लिखना है और इस बार पास होना है? क्या माइंड को बोला और माइंड से फिर क्या एक्शंस आए वो एक बार बताओ। बाउंस बैक वाला जो पीरियड था जहां पर खुद को बोला नहीं यार मैं कर सकता हूं। जैसे कि जनवरी शुरू हो गया था, तो मेरे मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि अगर तेरे को लगता है कि अगर तू फेल है, मार्क्स कम रह रहे हैं, तो स्टार्ट कर दे पढ़ाई। मैंने नहीं करी। फेब में रिजल्ट आया, 8th of फेब को रिजल्ट आया, उस दिन पता चला हमें कि हाँ नहीं हुआ। तो फिर मैंने 25th of फेब से शुरू कर दी अपनी अच्छे से पढ़ाई। तो मैं मोटिवेट इसलिए था क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली देख, जब वो आज हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे को कल उनके लिए प्रोवाइड करवाना है, एक गुड लाइफस्टाइल देना है। तो ऐसे मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। जब भी हम कभी मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, नहीं मैं देखता हूँ इनकी तरफ कि ये मेरे लिए कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्यों नहीं कर सकता? मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ ना, पढ़ाई के अलावा मेरे को कुछ करने को क्या, तो रही मेरे से पढ़ाई भी नहीं हुई, फिर फायदा क्या है? मतलब गगनप्रीत, जितना जो है आपके चेहरे से लगता है ना, उतनी ही डीप थिंकिंग आपके माइंड में जाती है, उतना ही ज्यादा गहरा आप सोच पाते हो, और यही शायद इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट सीखेंगे। मतलब मेरे पास शब्द कम है इस चीज को बताने के लिए कि यार आपके आपको पता होना चाहिए अंदर से कि अपने मम्मी पापा अपने लिए कितना कुछ करते हैं। वो कभी भी नहीं सोचते कि यार तुझे कौन सा कोर्स लेना है, तुझे कहाँ पर पढ़ाई करनी है, तू कहीं पर रहना जानता है, कहीं पर कॉलेज कॉलेज जाना है या फिर किसी हॉस्टल को तुझे ज्वाइन करना है, तुझे जो चाहिए सारी सुविधा है, ले सारी सर्विसेज ले, लेकिन प्लीज पढ़ाई मत छोड़, हम अपना बेस्ट देंगे, प्लीज तू कर ले। और अगर आप फेल हो चुके हो तो बस उनको महसूस करो कि यार उन पर क्या बीतेगी अगर उनका बेटा या फिर बेटी बोलेगी अब मुझे नहीं करना मम्मी पापा, अब मुझे आगे एग्जाम नहीं देना। तो ये सबसे बड़ी चार्जिंग वाली लाइन होती है, चार्जर होता है अपने लिए कि नहीं यार मम्मी पापा के लिए एटलीस्ट करके देते हैं। अंकित, आप क्या ऐड करना चाहोगे इस पे? जब आपने मल्टीपल फेलियर्स देखे थे तो खुद को कैसे बोला था कि नहीं करना है मुझे? मेरे को लगता है गगनप्रीत ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। जब आप बिहाइंड द सीन देखते हो ना, कभी जो है वो मतलब मम्मी पापा के टॉक देखना, जब उनकी बातें होती हैं वो क्या बातें करते हैं, शायद उनको ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता एक अटेम्प दो अटेम्प कितने अटेम्प लग गए। आपको वो सीए साहब और सीए साहिबा बनाना चाहते हैं, सिर्फ यदि उनके सामने किसी ने बोल दिया ना कि उनकी बेटी बेटा जो है सीए साहब और सीए साहिबा बन गया ना, इट्स ऑल मैटर कि बस वो यही चाह रहे हैं, बाकी तो शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं। करेक्ट करेक्ट। इसी बात पर हम गगनप्रीत से दूसरा प्रश्न करना चाहेंगे कि गगनप्रीत, दिसंबर 22 की प्रिपरेशन में और जून 2023 की प्रिपरेशन में मेजर चेंजेस आपने क्या किए, ओवरऑल आपको क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ और क्या चीजें आपने ऐसी करी जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं करी थी, जिसने आपकी बाजी पलट दी और आपको 136 आई गेस 146 मार्क्स से डायरेक्ट 200+ का स्कोर खड़ा करने में मदद करी। ओवर टू यू गगनप्रीत। जैसे कि दिसंबर में मैंने, जब मेरा एग्जाम था, मैं बहुत लाइटली ले रहा था कि चलो कोई हो जाए, ये तो फाउंडेशन है, आराम से निकल जाएगा। पर मेरे को पता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, कि नहीं निकलेगा मेरे से।
मैं बहुत लाइटली लॉ में प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने बिल्कुल भी लिख के, और मैथ्स के क्वेश्चंस भी नहीं करे थे, अकाउंट्स भी थोड़ी बहुत ही करी। तो फिर जब हो गया काम तो फिर तो मैंने पता चल आगे गया कि अपनी भाई नहीं प्रैक्टिस शुरू होगा करी। इससे। तो फिर फैब के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी जून के ओके। लिए। उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन ट्राई करे, मैथ्स के करे, लॉ में रिटन प्रैक्टिस करी, इकोनॉमिक्स में भी करी। इकोनॉमिक्स को समझा नहीं, मतलब दिमाग में बिठा लिया कि हाँ इस चीज में ये दिखा रहे हैं तो पक्का, ऐसे को रिलेट करके चीजें रखता था मैं जिससे कि याद रहे। और मैं अपने एक छोटी सी डायरी रखो, मैं कहता हूँ कि उस पे अपने वो रख के रखो सजेशंस कि हाँ हैशटैग डाल के कि इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद जरूर कर। तो मैंने वैसे मेंटेन करा, मैं कॉपी के लास्ट में बनाता था। ओके ओके। तो मुझे ये बताओ, जब मैथ्स में आपके कितने नंबर थे दिसंबर में, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के, ये भी चलता, 29, क्योंकि 49 29, 29 मार्क्स थे मैथ्स में, 29 मार्क्स थे। इसको आप 40 प्लस कैसे ले गए, बिकॉज मैथ्स में आई गेस आपका नॉन मैथ्स था। यस सर। हाँ, नॉन मैथ्स होने के बावजूद आपने 29 मार्क्स को प्लस 40 कैसे लेकर गए, और अपनी अकाउंटेंसी जो कि आपको केवल 40 मार्क्स आए थे, आपको एक बार आप पहले, सबसे पहले तो जिसमें 201 मार्क्स आया ना आपको, आप इंडिविजुअल स्कोर बता दीजिए सारे सब्जेक्ट्स का फटाफट। फर्स्ट में 70 आए थे अकाउंट्स में, लॉ में 45, मैथ्स में 45, और इकोनॉमिक्स में 50 के। ओके ओके, मतलब अच्छे स्कोर थे, मतलब सब में हम ओवरऑल देखे तो। अकाउंट्स में आपने कितने यस बताए, 70। 70। तो आपने अकाउंट्स में 40 से लेकर 70 तक का एक बार प्लीज आप सफर बता दे तो बहुत मजा आ जाएगा, बिकॉज इतना मैसिव चेंज मैंने अभी तक किसी भी स्टूडेंट में नहीं देखा है। जैसे कि अकाउंट्स में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस तो 10 हैं पर उसमें से 2 ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। पहले उल्टा शुरू करो, पहले एक इजी करा, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट ट्राई करा, नहीं बन रहा कोई बात, फिर से ट्राई, फिर से ट्राई, वो अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। फिर आईसीआई का मॉड्यूल हो गया पूरा, स्कैनर उठाए, स्कैनर में ओल्ड क्वेश्चंस उठाए जिसमें मतलब डिफिकल्ट मेरे को लगता था देख के हाँ नहीं होगा, तो ये मैं जरूर ट्राई करके देखूँ, तो इससे फिर वो अंदर से बना हाँ होगा अब तो होगा। फिर अपने आप आंसर्स आने लग गए, बैलेंस शीट मैच होने लग गई, फिर पता चला क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए, दिसंबर 22 में आपने कितने मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, कितने पेपर्स लिख के देखे थे, और जून 23 में आपने कितने लिख कर देखे। दिसंबर में मैंने एक भी नहीं लिखा था, सिर्फ अच्छा, बुक की प्रैक्टिस थी, एक भी मॉक टेस्ट पेपर लिखा ही नहीं। ओके। और वही और जून में क्या किया। जून में 3 लिखे थे अकाउंट्स के, लॉ के भी सेम, मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के भी सेम, तीन तीन लिखे थे। अच्छा ओके, उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आपका। आई गेस आपने लाइफ लॉन्ग लर्नर से ही सारे पेपर्स लिखे थे ना, मेंटरशिप वगैरह सब वहीं से ली थी आपने, तो क्या आपने यस सर। डिफरेंस डिफरेंस पाया 40 से 70 से लेकर। जैसे कि मैंने जून में जो सर को लाइफ लॉन्ग नॉन्गर्स के साथ मैं बना रहा, उन्होंने मेरे को गाइड करा कि आप इस पॉइंट पे वीक हो, आप इस पॉइंट पे अच्छे हो। जब मैंने अपना फर्स्ट पेपर लिखा अकाउंट्स का, तो उन्होंने मेरे को थोड़े पॉइंट्स बताए कि राइटिंग अपनी क्लीन लिखो कि अगले को समझ भी आए कि आप लिख क्या रहे हो, और इस चैप्टर्स पे, इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो कि आपके मार्क्स बढ़े। मेरे साथ जो अंकित सर हमारे वेबिनार्स लेते थे सैटरडे को, उन्होंने बहुत हेल्प करी। वो लगता भी है तुम्हारे मार्क्स देखकर भी कि बहुत मेहनत तुमने भी करी है, और इनफैक्ट अंकित सर ने भी करी है जो रेगुलर हर वीक मेंटरशिप लेते थे, दैट्स ग्रेट। अभी मुझे बताओ, जब आखिरकार पास देखा तुमने अपने रिजल्ट में, उस दिन की क्या खुशी थी, कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्या वो वर्थ थी इतना पेन, इतना स्ट्रगल। उस दिन तो जितनी मेहनत करी थी ना सब भूल गया था मैंने, सब भूल गया था मैंने, बस यही देखना था। मैंने स्कोर नहीं देखा था पहले अपना, मैंने सिर्फ नीचे देखा वो बस, स्कोर मैंने नेक्स्ट डे चेक करा, मैंने कहा इतना है चलो ठीक सबसे ज्यादा है। जरूरी वही होता है, वही PASSS, होगा बाकी सब बाद में देखेंगे।
अब क्या टारगेट्स हैं लाइफ में? ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, वर्थ है आगे, और फाइट करेंगे और लड़ेंगे और मजे करेंगे लाइफ में, बताओ। यस सर, अभी तो इंटर का टारगेट है, इंटर में बहुत मेहनत करेंगे। बहुत मेहनत करेंगे, 100% मेहनत करेंगे। यस सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैंने देखा आपने इंटर वाले जो मेंटरशिप सेशन, उसमें भी एनरोल कर लिया है, दैट्स ग्रेट। हम साथ में मिलकर मेहनत करेंगे, और सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमको देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप कमिटेड रहोगे अपने गोल से, और मैंने आपको जैसा गगनप्रीत ने बोला ना कि आप जब भी ऐसा सोचो कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से, तो अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा इमेजिन करो कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं भाई? अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं, मुझे बाउंस बैक करना है, मुझे मेहनत करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये गगनप्रीत ने भी साबित किया है, और अब आपको भी साबित करना पड़ेगा। एनी लास्ट वर्ड्स गगनप्रीत, आप ऐड करना चाहो इसमें? लास्ट वक्त मैं क्या कहूंगा कि करते जाओ, भगवान देख रहा है, वो करेगा, आपका हार्ड वर्क पे करेगा आपको, कभी ना करेक्ट कभी तो करेक्ट, देगा ही। हार्ड वर्क कभी भी खाली नहीं जाता। मेहनत करो तो सफलता जरूर शोर मचाएगी। अंकित भाई, इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग जो स्टूडेंट्स का, जिसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, फेलियर का साथी। आई थिंक जो है वो गगनप्रीत ज्यादा अच्छे से, गगनप्रीत लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो एक बार तो दिसंबर 22 में हो सकता है फेलियर का सामना करना पड़ा, 23 जब जून की एग्जाम दी तो भी हो सकता है वो फेल हो गए, तो ऐसा वो क्या अप्रोच अपनी चेंज कर दें कि जो अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर 23 वाली, वो एग्जिस्टिंग स्कीम की लास्ट जो है वो एग्जाम है और उसमें जो है उनका रिजल्ट पास वाला आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं शुरू में, तो हमें पता चलता है कि हमें हाँ ये सब कुछ आने लगा है, हम लाइट ले लेते, चलो छोड़ो, एक दिन नहीं करेंगे क्या होगा, पर हम ये नहीं देखते कि हमसे आगे कोई बच्चा जा रहा है। आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कल वो प्रैक्टिस मेरे से आगे ले गया, तब वो मेरे बदले वो पास हो रहा है, मैं अपने आप को खुद वो कर रहा हूँ कि मैं फेल हो जाऊँ। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिस मत छोड़ो, 1 महीना मिलता ही है पेपर के बाद, उसमें करो जो करना है। राइट, मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो करते रहो, ये नहीं कि एग्जाम के लास्ट मंथ में ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे वही जैसा वही गगनप्रीत ने बोला कि फैब से ही जो है वो प्रिपरेशन चालू कर दी थी। इनफैक्ट मैं तो रहता था उस मेंटरशिप में तो मेरे को पता है कि वो सीरियस होके कभी कभी डांट भी सुननी पड़ी, बट शायद आज वो सब कुछ जो है वो बोल चुके हैं, क्योंकि जब आदमी अपना रिजल्ट पा जाता है ना तो सब कुछ हार्डवर्क जो लगता है बस सारी चीजें बहुत बढ़िया हो गई, वो कितना हुआ था हम सब भूल चुके हैं। राइट बहुत बढ़िया गगनप्रीत, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लड़े हो तुम, और बस ऐसे ही इंटर में मजबूती से खेलो, तोड़ोगे फोड़ोगे मचाओगे। थैंक राइट, आगे भी यू ऐसे सर, लड़ते रहो, बस बहुत जल्दी जो है वो 2 गोल्डन वर्ड मिल जाएंगे सीए गगनप्रीत सिंह। विद दिस वही कोट सारे चाहिए। स्टूडेंट्स जो है, फोड़ो तोड़ो मचाओ। हाँ गगनप्रीत, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं सर, बस बढ़िया बढ़िया, तो सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी मिसाल है आपके लिए, गगनप्रीत हमारे सामने, जिन्होंने हार नहीं मानी और बोला करेगा बनेगा, तो मैं सीए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।